सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम अपने PC में जो है विंडोज 7, 8 और 10 हो, अगर आपके पास ये एरर आ गया है exe has stopped working, ये फाइल का एरर आ गया, तो इसको कैसे रिमूव करना है अपने PC से वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करना है अपने PC में। ये रहा कमेंट प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इसमें जो है कुछ कोड जो है टाइप करना है अपने PC में। इसके कुछ कोड्स है आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अभी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ये सेम कोड जो है टाइप करना है, लास्ट में कुछ चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है सिंपल। अब इंटर प्रेस करने के बाद आपको अपने कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है क्लोज करना है। उसके बाद हम फिर से कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है ओपन कर लेते हैं अपने PC में। यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बोल लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से और एक कोड जो है टाइप कर देना है यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर लास्ट में जो है अलग टाइप करना है यहाँ पर OPT out। ओके, यहाँ पर आउट टाइप कर लेते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद हम ये कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद आपको अपने माई PC के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। आपको प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो एडवांस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन देखने मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाटा एक्सक्यूशन प्रिवेंशन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑन DEP फॉर ऑल प्रोग्राम्स एंड सर्विस एक्सेप्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बॉक्स में क्लिक करके आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर अप्लाई ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं ये जो विंडोज को है यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद आप अपने PC को जो है एक बार रीस्टार्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.